स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम दोनों एक ही साथ गए थे, फिर तुम इतने शांत और ये कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है? युवक ने स्वामी जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, आपका ये कुत्ता बड़ा चंचल और शरारती है। मैं इसे जहां ले जाना चाहता था वो उन सभी रास्तों को छोड़कर किसी और राह पर मुड़ जाता, दूसरे जानवरों और इंसानों को देख डिस्टर्ब होता और उन पर भौंकने लगता। बस यही कारण है वो मंजिल तक आते आते इतना ज्यादा थक गया और ज्यादा समय भी लग गया। ये कहानी दरअसल जो है वो स्वामी विवेकानंद और एक युवक की प्रेरणादायी कहानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में एक छोटे से कुत्ते को टहला रहे थे, तभी वहां अचानक एक नौजवान आया जो बड़ा परेशान नजर आ रहा था। उसने आते ही स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और उनसे गिड़गिड़ाने लगा कि स्वामी जी उसकी मदद करें। स्वामी जी ने उसे उठाया और शांत रहकर अपनी समस्या बताने के लिए कहा। युवक बोला, स्वामी मैं काफी पढ़ा लिखा हूं और मेहनती भी हूं, लेकिन फिर भी मैं आज तक अपने किसी काम में उतना सफल नहीं हो पाया जितना मैं हकदार हूं। स्वामी जी ने उसकी सारी बात गौर से सुनने के बाद उसे कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस कुत्ते को थोड़ी देर तक टहलाने के लिए ले जाना पड़ेगा। युवक को स्वामी जी ऐसी शर्त बड़ी अजीब लगी, फिर उसने सोचा इतना आसान काम तो है, लेकिन चलो किए देता हूं और बदले में स्वामी जी से समस्या का उपाय मिल जाएगा। युवक ने स्वामी जी से कुत्ता लिया और उसे टहलाने के लिए ले गया। तकरीबन 30 मिनट के बाद जब युवक कुत्ते के साथ लौटा और फिर वापस स्वामी जी से उसी की तरफ देख रहे थे, स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम दोनों एक ही साथ गए थे, फिर तुम इतने शांत और ये कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है? युवक ने स्वामी जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, आपका ये कुत्ता बड़ा चंचल और शरारती है। मैं इसे जहां ले जाना चाहता था वो उन सभी रास्तों को छोड़कर किसी और राह पर मुड़ जाता, दूसरे जानवरों और इंसानों को देख डिस्टर्ब होता और उन पर भौंकने लगता। बस यही कारण है वो मंजिल तक आते आते इतना ज्यादा थक गया और ज्यादा समय भी लग गया। युवक की बातें सुन स्वामी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब अभी तुमने जो कहा उसे मिल जाएगा। युवक को भी स्वामी जी की बात समझ में आ गई और उसे एरियल लाइव जिसको बोलते हैं ना, कि उसका दिमाग खुल गया कि वह भी इसी कुत्ते की तरह अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस नहीं करके दूसरे लोगों के पीछे दौड़ रहा था और फालतू चीजों में समय बर्बाद कर रहा था। उसने स्वामी जी से वादा किया कि वह अब अपने लक्ष्य पर अच्छे से फोकस करेगा और
जल्द से जल्द अच्छे परिणाम लाएगा। दोस्तों, कहीं आप भी इस युवक की तरह ही अपने लक्ष्य में भटकते तो नहीं रहे ना, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा है तो तुरंत बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाए, फिर देखना आपकी चित निश्चित है। उम्मीद है स्वामी विवेकानंद की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरणा में बढ़ोतरी भी ये कहानी जरूर करेगी। थैंक यू।